सरायकेला जिला के खरसा प्रखंड में जलाशय परियोजना के तहत सुरु डैम 1982-83 में पास हुआ था। इस डैम से गांव लखंडी के अलावा रायजामा, रियाड़दा और चैतनपुर गांव का जमीन भी जा रहा है। उसी समय ही कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया था। सुरु डैम बनने से जो चार गांव का जमीन जा रहा है, उन लोगों ने दो दो बार विरोध किया था, क्योंकि डैम बनेगा तो वे पूरा विस्थापित हो जाएंगे। इस लड़ाई के बीच प्रशासन ने 7 आदमी के ऊपर केस कर दिया और इधर डैम का काम शुरू हो गया। जैसा कि हम लोग पता चला कि डैम बनेगा बोल के, उस समय से ही हम लोग इसका जानकारी चाह रहे थे, तो डीसी को भी हम लोग आवेदन दिए थे, ब्लॉक में भी बीडीओ सीओ को भी दिए थे। उस समय हम लोग को कुछ उसका जवाब नहीं दिया। 14 सितंबर 2015 को अचानक ही वो प्रशासन के साथ डीसी एसपी पूरा बटालियन के साथ बगैर सूचित किया हुए वो अपना काम को चालू करने के लिए आए। ग्रामीण एकजुट करके वहाँ डीसी साहब और एसपी साहब को पूछे कि आप जो उतना दिन का योजना था उस समय काहे नहीं बना, तो अभी अचानक आके आप काम चालू कर रहे हैं। कि वो बोला कि वो तो पहले अपना पूर्वजों ने पैसा लिया है, तो यहाँ जब होने से भी हम लोग काम करा सकते हैं बोल के बोला। एक गांव या दो गांव डूबने से मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपत्ति नहीं है, मेरा 50 गांव विकास होगा बोल के बोला। ये डैम का सर्वे कब हुआ था? वो 1985-86 से पहले ही हुआ था। पहले हम लोग मांग कर रहे थे कि ये डैम ना बने, बोला कि डैम तो हम लोग को पहले पैसा दिया गया था और डैम तो बनेगा, तो बोला आज के बाद तुम लोग मरो चाहे बच्चों बोल रहा है, हमको डैम बनाने का है, हम बनाएंगे ही। तो आप लोग को पुनर्वास के लिए जगह दिखाई गई कि नहीं? वो तो अभी तक कुछ नहीं बोला है। हम लोग सर्वे के लिए मांग भी किए थे, तो हम लोग को सर्वे फिर पुनः किया जाए बोल, लेकिन उसका अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बोले कि ठीक है, तुम लोग उस समय नहीं बनाया, उस समय का आदमी सब तो अभी मर गया और हम लोग अभी हैं, हम लोग अभी कहाँ कर जाएंगे, इसलिए हम लोग यहीं रहेंगे, डैम नहीं बनने देंगे बोल के धरना भी किए थे। उसी के नाम से हम लोगों को सरकारी काम में बाधा बोल के और केस कर दिया हम लोग के नाम पर। तो अभी हम लोग फिलहाल हाईकोर्ट करने के लिए कागज सब रेडी कर रहे हैं, पैसा सब कुछ जमा कर रहे हैं। इस जलाशय से संबंधित भूमि का अर्जन किया जा चुका है और भू स्वामियों को इससे संबंधित भुगतान भी हुआ है। जलाशय का काम पूरा नहीं हो सका, इसको देखते हुए कुछ लोग जबरन उस जमीन पर कब्जा में रहे हों, इससे वो जमीन जो है उनकी नहीं हो जाती है और वे मुआवजा के हकदार नहीं होंगे। तो आप अभी अपने तरफ से क्या कर सकते हैं इसके लिए? जिनका भुगतान लंबित है वे आवेदन करेंगे, अपना दावा पेश करेंगे, हम लोग उनके भुगतान के लिए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसके अलावे इस संबंध में और कुछ भी किया जाना नियम संगत नहीं हो सकेगा। ये हम लोग का आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग का अधिकार मिले। हम लोग जब इतना 33-35 साल जब हो गया है, उस समय वो मुआवजा का भुगतान किया था और अभी हम लोग का दोगुना या तीन गुना जनसंख्या बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से अगर हम लोग का अगर सर्वे करता तो और बढ़िया होता। इस चीज़ हम लोग का मांग है, क्योंकि हम लोग यहाँ से दूसरा जगह तो जाने के लिए कोई जगह तो नहीं मिलेगा। CNT एक्ट की धारा 71(1) के तहत कोई भी परियोजना सरकार अगर अधिग्रहित जमीन का इस्तेमाल 5 वर्ष तक नहीं करती है तो यह मूल रियातों को लौटा दी जाएगी। लेकिन यहाँ 33 वर्ष होने के बावजूद भी डैम बनाया जा रहा है और उन लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सरायकेला जिला के LRDC श्री कुंज बिहारी पांडे, जिसका मोबाइल नंबर है 9470925985, पर कॉल करके इस समस्या का समाधान कराए। मैं सुजीता टूडू
जिला सरायकेला खरसवां झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।